जिस प्रकार अगर किसी को बहुत तेज भूख प्यास नहीं लग रही हो, है ना, अगर उसके सामने हम बहुत स्वादिष्ट सुगंधित मधुर कोई खाद्य पदार्थ, कोई भोजन कुछ उसके सामने रख दें, तो उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार बंधुओं, प्रेम नहीं रहने से ना, आप अनेक प्रकार से आप भगवान की पूजा कीजिए लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। परंतु अगर मान लीजिए तीव्र, मतलब बहुत तेज भूख प्यास अगर हमारे अंदर रहे, तो हमें एक साधारण जल या कोई सूखी रोटी भी ना हमें बहुत सुंदर लगती है ना, बहुत सुखदायी होती है, हमारे मन को तृप्त कर देती है। उसी प्रकार बंधु, भक्त के हृदय में यदि प्रेम रहता है, यदि भाव रहता है, उनके द्वारा अगर कोई साधारण वस्तु भी अगर वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो भगवान उसको प्रेम से, भाव से उसको ग्रहण कर लेते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या महर्तमस्नामि प्रयातात्मनः। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मुझको पत्र पुष्प फल जो भी प्रदान करते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित कर लेता हूँ, वस्तुओं को ग्रहण कर लेता हूँ। क्या बोला भगवान? शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे निष्कपट रूप से कुछ भी अर्पण करे, मैं उसे अवश्य ग्रहण कर लेता हूँ। एक बहुत सुंदर कथा भी हमारे आचार्य लोग सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था, वो क्या करता था, विग्रह की पूजा तो करता था, दिन भर ठाकुर जी को भोग भी लगाता था पूजा के बाद, लेकिन वो पैसे से काम करता था, उसको वेतन मिलता था, वेतन अगर ना मिले तो नौकरी नहीं करता था। उसका ठाकुर जी के जो विग्रह थे उनसे तो कोई मतलब प्रेम था ही नहीं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करता था वो। ऐसे बहुत लोग हैं ना, ऐसे बहुत पुजारी भी होते हैं जो मतलब घर घर जाते हैं, जॉब नौकरियां करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वो सीधा पैसा लेते हैं, चावल आटा, चावल हो या आटा हो, दाल हो, सब्जी हो, सब कुछ लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो उस पैसे को खुद को यूज करते हैं, घरों में ले जाते हैं ठाकुर जी की सेवा के उसको। तो एक बार ना वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कुछ दिन के लिए ना कहीं अपने घर से कहीं बाहर जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो छोटा पुत्र था उसको बुलाया कि पुत्र ऐसा करना, तुम ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना, इसके बाद भोग लगाना भगवान को। तो बालक ने ज़्यादा तो उसने सीख नहीं रखा था, तो उसने बोल दिया कि पिताजी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा ही कर दूंगा। क्या हुआ, अगले दिन जब उसकी माँ ने रोटी बना दी, सब्जी बना दी, तो अब बालक ने ठाकुर जी को नहला दिया, स्नान करा दिया, तुलसी जी चढ़ा दी, सिंहासन पे पधार दिया। तो उसने क्या किया, बच्चे ने तुलसी का पत्र डाल के रोटी सब्जी को कहते हुए भोग लगाने लगा, ठाकुर जी आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए, आप खाइए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर क्या हुआ, वो कहता है ठाकुर जी मैं आधा घंटे से खड़ा हूं और आपकी थाली को देख रहा हूं कि तू, आप तो कुछ खा भी नहीं रहे, जब मेरे पिताजी भोग लगाते हैं आप उसे 3-4 मिनट में बड़े खुश होके खा लेते हैं, है ना, इसका मतलब मैं कोई मंत्र नहीं जानता इसलिए आप नहीं खा रहे हैं, और मेरे पिताजी या नहीं है तो आप मतलब भूखे रहेंगे हैं। बच्चा बोलता है जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। देखो प्रेम, कितना प्रेम से बोल रहा है, निष्कपट प्रेम से, है ना। यदि अगर हम लोग भी अगर हरि नाम जप करते हैं, अगर ऐसी भावना अगर हमारे हृदय में ना हो ना, प्रेम ना हो, वो ना कपटता हो अगर हमारे हृदय में, तो वो मंत्र का जो हरि नाम मंत्र है उसका भी प्रभाव नहीं होता। यदि हम ठाकुर जी से ऐसी जो प्रेम रूपी सेवा को हम ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करें जैसे वो बच्चा कर रहा है, तो भगवान जरूर हमारी सुनते हैं। तो क्या हुआ, कुछ टाइम हो गया, बालक फिर कहने लगा प्रभु आप नहीं खाएंगे, ठीक है तब मैं भी बिना खाए पिए ही सो जाता हूँ। फिर क्या हुआ, भगवान देखा लगे, है ना, भगवान अपने आप को बिल्कुल रोक भी ना पाए, उन्होंने क्या किया, अपने सिंहासन से उतरे, बैठे और दोनों हाथों से खाने लगे। उन्होंने
बड़ी खुशी से जो भी था रोटी सब्जी सब प्रेम से खा लिया। उस वो क्या हुआ, बच्चा रसोई को जो रसोई बना रही थी मम्मी खाली वो लेके आ गया खाली प्लेट, और माँ से कहने लगा, माँ भगवान ने भोजन कर लिया, मैंने बड़ी कठिनाई से उनको बोला तब उन्होंने जाके भोजन किया। बालक की माँ ने सोचती है उन्होंने खा लिया है, तुम कहना क्या चाहते हो, अरे रोटी कहाँ है सब्जी कहाँ है। बच्चा कहता है उन्होंने खा लिया मम्मी। मम्मी बोलती है ये कैसे संभव है। अगले दिन क्या हुआ, माता ने खाना बनाया रोटी सब्जी, बालक ने भगवान को फिर दोबारा भोग लगाया और ठाकुर जी ने वो भी खा लिया, प्रेम से खिलाया, निष्कपट भाव से खिलाया, उसने भाव से खिलाया। अब उससे अगले दिन जो है वो ब्राह्मण घर पे आ गया तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो जी जल्दी आओ, पिछले दो रातों से हम बिना कुछ खाए पिए रह रहे। ब्राह्मण कहता है क्यों, तो वो माता कहती है कि ठाकुर जी को जो कुछ अर्पण किया बच्चे ने वे तो सारा कुछ खा गए। ठाकुर जी ने खा लिया, ये कैसे हो सकता है, कैसे वो खा लेंगे हैं। ब्राह्मण वो विचार कर रहा है, उसने अपने पुत्र को बुलाया, कहा कि पुत्र मुझे लगता है कि कोई जो चूहा वगैरह ऐसा होगा वो सारे भोजन को खा गया होगा, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो सिंहासनों के नीचे ऐसे छिपे रहते हैं, अपना बिल बना लेते हैं, वहाँ आराम से रहते हैं ना, उन्हें भोजन भी आराम से मिल जाता है, तो वो खा गए होंगे उन्होंने। बालक ने एकदम हटगड़ते हुए कहा नहीं ठाकुर जी ने ही खाया सब, ठाकुर जी ने ही खाया सारा। अच्छा अच्छा तो ऐसा करना आज रात को भी तुम भोग लगाना, ब्राह्मण ने कहा। तो क्या हुआ फिर, रात को जब उसका पुत्र ना भोग लगा रहा था तो ब्राह्मण ना पास में छिप गया और देखने लग गया कि ठाकुर जी सचमुच में खाते हैं कि नहीं खाते। बालक ने क्या किया, भोग लगाया तो प्रभु नहीं आ रहे, खाने ही नहीं आ रहे प्रभु। बच्चा कहता है आप देरी क्यों कर रहे हैं प्रभु, आप जल्दी आइए भोजन ग्रहण कीजिए। अब ठाकुर जी तो अपने स्थान पे ही खड़े हुए तो क्या हुआ, बालक कहता है प्रभु आप खा क्यों नहीं रहे, आप इतना लेट क्यों कर रहे हो, है क्या हो गया आपको। तो तभी एक बहुत सुंदर एक आवाज आती है ठाकुर जी की, आज ना तुम्हारे पिता छिपके मुझे देख रहे हैं इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। बालक कहता है क्यों, आप आइए और भोग ग्रहण कीजिए, क्यों नहीं आओगे आप, यदि नहीं खाओगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा फिर मैं आपसे। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, ऐसा करो मैं तभी खाऊंगा जो आपके पिताजी ना, आप अपने पिताजी को थोड़ा स्पर्श करके आओ, उनको थोड़ा टच करो। बालक ने क्या किया, ऐसा ही कह दिया, और वो जो बालक था उसी समय क्या हुआ, उस बालक के जो कुछ भाव थे ना उसके पिता के अंदर प्रकाशित हो गए। उसके बाद ब्राह्मण ने देखा कि ठाकुर जी सचमुच ही अंदर भोग ग्रहण कर रहे हैं। तो बंधुओं भगवान की पूजा करने के लिए भगवान की प्रसन्नता ही सबसे प्रधान है। ऐसी भावना यदि हमारे अंदर श्रद्धा हो ना हो, अगर हम कितनी भी साधना करें, कितना भी हम लोग हरि नाम करें, कितना भी हम लोग भगवान का भोग कुछ भी करें, यदि उसमें अगर निष्कपटता नहीं है तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। तो अंत में जो सार होता है यही होता है कि भगवान को जो भी समर्पित करो भाव से करो प्रेम से करो, भगवान सब कुछ खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम।